पनीर और एग की भुर्जी आपने कई बार ट्राई करी होगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन की भुर्जी। बहुत ही अलग और यूनिक सी रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। बेसन को हमें हल्के से भरना है, दबा दबा कर नहीं भरना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, और थोड़ा डालेंगे नमक, और फिर डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना धनिया का पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे हम 2 पिंच जितना हींग, और साथ ही डालेंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन ताकि डाइजेस्ट करने में इजी रहे, और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है एक साथ पानी नहीं डालना है, और जिस तरह हम चीला वगैरह के लिए बैटर नहीं बनाते हैं उसी तरह का बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। उससे ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारी भुर्जी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। ये बैटर हमारा बन गया है और आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी का बनना चाहिए। अब इसको ढक्कन लगाकर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और बेसन फूल भी जाए। अब हम लेंगे 1 बड़ा प्याज और 6 से 7 कली लहसुन की, और इनको हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से बारीक काट भी सकते हैं इनको, और चाहें तो मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हैं। ये कुछ इस तरह का लहसुन और प्याज काट कर हमें तैयार करना है। अब हमें लेना है 2 बड़े टमाटर, और साथ ही डालना है 2 से 3 टेबल स्पून जितना दही, और इसको पीस कर बारीक पेस्ट बना लेना है। आप ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, और इस तरह का पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है। लेंगे एक पैन, और पैन को अच्छा गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भरकर हमें ऑयल लेना है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा, साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना राई के दाने, और फिर डाल देंगे हम थोड़े से इसमें कड़ी पत्ता, और फिर हमने जो प्याज और लहसुन क्रश करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक हमें भूनना है। गैस की आंच यहाँ पे बिल्कुल धीमी रखनी है। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अगर आपको पसंद नहीं होता इसको स्किप कर सकते हैं। इसको भी 10-20 सेकेंड के लिए भून लेंगे, और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, और साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक हमें बिल्कुल ध्यान से डालना है क्योंकि हमने जो बेसन का घोल बनाया उसमें भी हमने नमक डाला है। इसको भी 10 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो टमाटर और दही का पेस्ट हमने बना के रखा था वो। अब हमें इसको अच्छे से कुक करना है, भूनना है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के हम इसे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। गैस की आंच जो है बिल्कुल धीमी रखेंगे। मसाले को कुक होते हुए 10 मिनट हो गए, और आप देखिए काफ़ी अच्छे से भून गया है। इसमें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मिक्स नहीं करना है, हमने जो बेसन का घोल बनाया है वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है, और डालने के बाद हमें इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं है, चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है। इसको ढक्कन लगा देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर इसको कुक होने देंगे। अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो ये भुर्जी नहीं बन पाएगी। भुर्जी को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और आप देखेंगे बेसन काफ़ी अच्छे से कुक हो गया, सेट हो गया है। अब इस तरह से हमें बेसन को तोड़ लेना है। जिस तरह की भुर्जी की कंसिस्टेंसी होती है, दाने होते हैं, उस तरह की हमें इसको बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। ठंडा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि मुझे थोड़ी लिक्विड चाहिए। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद भुर्जी हमारी तैयार हो गई है। इसकी जो ये कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसी तरह की पसंद है। अगर आपको थोड़ा लिक्विड पसंद है तो आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, ठंडा पानी ना डालें। ये भुर्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बेसन की भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप हरा प्याज या हरा धनिया से गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। बस बनाते हुए ध्यान रखना है आपको बेसन का घोल जो है बिल्कुल पतला ना करें, और आप मसाला बनाकर रख लें, जब आपको सर्व करना हो उसी वक्त बेसन पका के फिर डालें। नहीं तो बेसन जो क्या है पानी सूखता है तो ड्राई हो जाएगा पड़े पड़े, और भुर्जी जो है टाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को, वीडियो इसी तरह देखते रहें, और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।